क्लियर किया गया है कुछ दिन पहले से, तो उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सजेस्ट, हमारे पास एक लोकल है जिससे क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा ताउन यहाँ पे मिल रहा है। हम कल से हमने प्रोवाइड हो रही है, चाहे उसमें राशन हो, चाहे उसमें सब्जी हो, चाहे कोई भी दवाई हो, तो हमें मिल रही है कल से। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, किसी भी आपके आपके डिपार्टमेंट में जो भी बंदा है उसको हमें कन्वे करना है कि हमें यूनियन चीज़ों की जरूरत है, तो हमें प्रोवाइड होती है, तो कोई बात नहीं, जो भी हमें करनी पड़ेगी हम आपका एडमिनिस्ट्रेटर और हमें मिला, जैसे आज हम प्रॉपर तरीके से राशन कर रहे हैं, हम अपना चला रहे हैं, चला रहे हैं रेड जोन के मुताबिक, जैसे फॉलो किए जाते हैं उस लेवल से फॉलो करके अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ इमरान जी, अभी लोगों तक ये पूरा पता नहीं है क्योंकि लोग अभी इसको थोड़ा सा लाइटली भी ले रहे हैं, हमें लाइटली चाहे इसमें कोई नेगेटिव आए, चाहे कोई पॉजिटिव आए, तो हमने अपने घर के अंदर ही रहना है, अपने एसओपीज को फॉलो करना है, हमारे यहाँ पूरे पब्लिक एरिया को जो भी दिक्कत आएगी तो हम एडमिनिस्ट्रेटर प्रभु की दवा से मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके माध्यम से बात कर सकेंगे। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ के लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है अपने एरिया के लिए कि एसओपीज को फॉलो करें और जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ के जो पंच है, सरपंच है, नायब सरपंच है, मेम्बरान है, वो आगे डिपार्टमेंट को रब्ता करेंगे और इनको जो भी जरूरियात है वो इनको प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आपने कल भी बड़ी हमारी सपोर्ट की, वॉलंटियर भी आपने हमारे हेल्प की, मैं इसके लिए आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार। तो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आज यहाँ फूड की तरफ से, इसमें हमारे तहसीलदार साहब की तरफ से आदेश मिले थे कि आपको कंटेनमेंट जोन गार्डन में राशन डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, प्रॉपर तरीके से करना होगा, कोई वायलेशन ना हो, कोई वायलेशन ना होनी चाहिए। इसके बरकस में हम आज यहाँ आए हैं, ये पूरी राशन लेके हमने एक दो गाड़ी वहाँ से सब स्टोर सिगरी से लोड करके यहाँ पहुँचाई और हम प्रॉपर तरीके से यहाँ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो साथ में हम एसओपी का फॉलो भी करेंगे और इन लोगों तक राशन पहुँचाएंगे। और आगे के लिए क्या रहेगा आपका आगे? देखो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर जो पहले निकला है 17 तारीख का, जो इन्होंने कहा है कि कर्फ्यू इम्पोज रहेगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम बिल्कुल यहाँ लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं और लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम इनकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे रात ही तहसीलदार साहब ने, मुल्तान ने मेरे साथ एक रिपोर्ट किया, बंदा पीएचई डिपार्टमेंट का भी है, ये स्पोर्ट्स का एनवाईसी की तरफ से भी एक बंदा है जो यहाँ मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं खुद आरडी डिपार्टमेंट से हूँ एज ए जीआरएस, मुझे भी यहाँ लगाया गया है, तो मैं एज ए सर्विलेंस टीम हमारी बनाई गई है, हम यहाँ लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो लोगों के घर घर हम राशन दवाई जो भी उनकी डिमांड होती है हमें कॉल करके हम उनसे उनके पास पहुँचा के उनका।